हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुषी साइंस एकेडमी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, तभी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिएगा। सो फ्रेंड्स, किंगडम क्लासिफिकेशन पार्ट 4 में हम किंगडम एनिमलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ेंगे। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमलिया आर एनिमल्स इंक्लूड मल्टी सेलुलर नॉन ग्रीन यूकैरियोट्स। मल्टी सेलुलर मीन्स मल्टीपल सेल्स होती हैं, नॉन ग्रीन मीन्स क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, एंड यूकैरियोट्स मीन्स दे हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। दे आर हेटरोट्रॉफिक मीन्स दे कांट प्रिपेयर देयर फूड, दे आर टोटली डिपेंड अपॉन अदर प्लांट सेल एनिमल्स फॉर देयर फूड, दे डोंट हैव सेल वॉल। एनिमल्स मूव वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर or to protect themselves from their enemies. Animals show limited growth which stops after maturity. Animals ki ek limited growth hoti hai jo mature hone pe ruk jati hai. Now, Animalia, Kingdom Animalia is divided into two parts, invertebrates and vertebrates. Invertebrates are the animals in which backbone is absent. Backbone nahi pai jati hai invertebrates mein, aur vertebrates mein backbone present hoti hai. Now one by one we will study about each phylum. First is Porifera. Porifera are also known as pore bearing animals. Poriferans have pores all over the body to draw water in. इनकी पूरी बॉडी पे पोर्स पाए जाते हैं जिससे वो वाटर को ड्रॉ करते हैं। A large pore or opening is present at the top of the body. बॉडी का जो टॉप होता है वहां पर एक बड़ा सा ओपनिंग होती है that help to expel the incoming water. वो इनकमिंग जो अंदर पानी आता है उसको एक्सपेल करती है। दे आर मेनली फाउंड इन सी, only a few occur in fresh water, they are found attached to the bottom of the sea. ye basically samudra mein paaye jaate hain, ye jo niche samudra ka jo niche ka area hota hai bottom portion us pe attached rehte hain. examples are cycon, spongula, eusponchia, these are the examples. now kingdom coelenterata. Kingdom Coelenterata is also known as the Cnidaria. These animals are hollow sac-like animals. Hollow sac-like animals होते हैं. They are aquatic, mostly marine. Marine means they found in sea. They are either free floating or attached to the bottom. वो या तो free floating होते हैं, float होते रहते हैं, या फिर bottom में attached रहते हैं. Their body is hollow sac-like with only one opening mouth. इनकी बॉडी हॉलो होती है, सैक लाइक होती है और सिर्फ एक ओपनिंग होती है माउथ. माउथ इज सराउंडेड बाय द फिंगर लाइक प्रोसेसेस कॉल्ड टेंटिकल. जो माउथ होता है वो टेंटिकल से सराउंडेड रहता है विच हेल्प इन कैचिंग फूड. ये मेन काम जो होता है टेंटिकल्स का वो फूड को कैच करना होता है. एग्जाम्पल्स आर हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमल. Now, flatty helminthes, they are also known as flatworm. इनको flatworm भी बोलते हैं. They have thin, soft and flattened body. इनकी body thin होती है, soft होती है और flat होती है, इसलिए इनमें body cavity नहीं पाई जाती है. Their body is divided into many segments. कई सारे segment में इनकी body divided रहती है. They live as parasites inside the body of their host. ये parasites की तरह host की body के अंदर या बाहर रहते हैं. होस्ट इज एन एनिमल इन विच अ पैरासाइट लिव. होस्ट उस एनिमल को बोलते हैं जिस पर कोई पैरासाइट सर्वाइव करता है. एग्जाम्पल्स आर लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया, ब्लड फ्लूक एंड टेपवर्म. नाउ नीमेटोडा. नीमेटोडा इज ऑल्सो नोन एज द एस्केलमिंथीज और राउंडवर्म भी बोलते हैं. Nematodes have long cylindrical unsegmented body. इनकी body unsegmented रहती है. Some members of group are thread-like. कुछ members जो होते हैं वो thread-like होते हैं. They live as parasite inside the body of animals. ये parasite की तरह animals की body के अंदर रहते हैं, including humans and cause diseases. Body के अंदर रहते हैं और diseases cause करते हैं. Examples are hookworm,
राउंड वर्म और थ्रेड वर्म। राउंड वर्म इज ऑल्सो नोन एज द एस्केरिस। नाउ एनीलिडा, एनीलिडा आर ऑल्सो कॉल्ड एज द सेगमेंटेड वर्म्स और ट्रू वर्म्स। दे हैव सॉफ्ट सेगमेंटेड एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी। इनकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट होती है, सेगमेंटेड होती है और बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। बायलेटरली सिमेट्रिकल मीन्स इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। इसकी बॉडी जो होती है वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकती है। दे हैव अ वेल डेवलप्ड बॉडी कैविटी एंड एलिमेंट्री कैनाल। दे हैव स्पेशल ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन कॉल्ड नेफ्रीडिया। इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको नेफ्रीडिया बोलते हैं। दे मूव बाय द स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड सीटी। इनमें मूवमेंट के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको सीटी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आर अर्थवर्म, लीच एंड नैरल्स। नाउ एनिमल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा हैव जॉइंटेड लेग्स। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड द एक्सोस्केलेटन। दे हैव पेयर्ड एंड जॉइंटेड लेग्स। आर्थ्रोपोड्स आर फर्दर पुट इंटू फोर ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज क्रस्टेशियंस। देयर हेड एंड थोरेक्स आर फ्यूज्ड। क्रस्टेशियंस के जो हेड और थोरेक्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं। दे हैव मैनी जॉइंटेड लेग्स। एग्जाम्पल्स आर प्रॉन, क्रैब्स, लॉबस्टर्स। नाउ सेकेंड वन इज इंसेक्ट्स। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। इनकी बॉडी हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड रहती है। दे हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स, नॉर्मली टू पेयर्स ऑफ विंग्स। थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं और टू पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। एग्जाम्पल्स कॉकरोच, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, मॉस्किटो। नाउ एरेक्निड्स, देयर हेड एंड थोरेक्स आर फ्यूज्ड। इनके जो हेड और थोरेक्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। दे हैव सिक्स पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस। सिक्स पेयर अपेंडेजेस होते हैं, आउट ऑफ विच फोर पेयर्स आर वॉकिंग लेग्स। उसमें से जो फोर पेयर्स होते हैं वो वॉकिंग लेग्स होते हैं। अपेंडेजेस मीन्स अ पार्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट विद अ डिस्टिंक्ट अपीयरेंस। नाउ एग्जाम्पल्स आर स्पाइडर, स्कॉर्पियन एंड टिक। नाउ मायरियोपोड्स, देयर बॉडी इज लॉन्ग डिवाइडेड इंटू मैनी सेगमेंट। इनकी बॉडी लंबी होती है और कई सारी सेगमेंट्स में डिवाइड रहती है। ईच सेगमेंट हैड वन और टू पेयर्स ऑफ लेग्स। हर सेगमेंट में एक या दो पेयर लेग्स के होते हैं। एग्जाम्पल्स आर सेंटीपीड एंड मिलीपीड। नाउ मोलस्का, मोलस्का आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। दे आर मेनली एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स दे फाउंड इन वॉटर। मोस्ट ऑफ देम आर मैरीन। Most of them are found in sea. Mollusk have soft body, unsegmented body closed in a hard shell. इनकी body soft होती है, unsegmented होती है और hard shell के अंदर होती है. They have a muscular foot for locomotion. इनमें एक muscular foot होता है जो locomotion में help करता है. Examples are octopus, snail, pearl, oyster. Now Echinodermata, they are also called as spiny skinned animals. Echinodermates have rough, spiny and star-like body. इनकी जो body होती है वो rough होती है, spiny होती है और star-like होती है. In echinoderms, head and tail are absent. Echinoderms में head और tail नहीं पाया जाता है. Vertebrates are the animals which have backbone. They are classified into five classes: Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves and Mammalia. First, I will explain about Pisces group. All fishes belong to this group. Fishes live in water. They swim with the help of fin and streamlined body. Fishes breathe through gills and they have two-chambered heart. Examples are cuttla, sharks, seahorse, rohu, electric ray.
Now, amphibians. Amphibians are the animals which can live in water as well as on land. Their body is covered with slimy and slippery skin. They have three-chambered heart. They breathe through lungs when on land. जब वो जमीन पे रहते हैं पानी के बाहर, तब लंग से ब्रीथ करते हैं। जब वो पानी के अंदर रहते हैं, तब वो स्किन से ब्रीथ करते हैं। और उनके जो लार्वी होते हैं, वो गिल से ब्रीथ करते हैं। दे ले एग्स इन द वॉटर, वो वॉटर में एग ले करते हैं। एग्जाम्पल्स आर फ्रॉग, सेलामेंडर एंड टोड। नाउ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स आर मेनली लैंड वर्टिब्रेट, दे आर फाउंड ऑन लैंड। देयर स्किन इज ड्राई एंड कवर्ड विद स्केल्स। उनकी स्किन ड्राई होती है और स्केल्स से कवर्ड रहती है। दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, ईच लिम्ब हैज 5 डिजिट ऑफ क्लॉज। इनके लिम्स टू पेयर्स में होते हैं और हर एक पेयर में 5 क्लॉज होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, वो लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। थ्री चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मीन देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द चेंज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर। एनवायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। मतलब जब ये लैंड में रहते हैं तो जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है उस हिसाब से अडेप्ट हो जाते हैं। जब ये पानी में जाते हैं तो वहां का जो टेम्परेचर होता है उस हिसाब से अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लेते हैं। रेप्टाइल्स ले लार्ज लेदरी एंड योकी एग्स ऑन लैंड। एग्जाम्पल्स आर स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड, टॉर्टोइस। एप्स ग्रुप। ऑल बर्ड्स बिलोंग्स टू एप्स ग्रुप। देयर बॉडी इज कवर्ड विद द फेदर्स। इनकी जो बॉडी होती है वो फेदर्स से कवर्ड रहती है। दे हैव विंग्स टू फ्लाई। विंग्स हेल्प करते हैं फ्लाई में। दे डोंट हैव टीथ। टीथ नहीं होते हैं, सारे काम वो बीक से करते हैं। इनमें 4-chambered हार्ट होता है एंड फीट हैव क्लॉज फॉर पर्चिंग ऑन ट्रीज। पेड़ पर बैठने के लिए इनके फीट में क्लॉज होते हैं जो डाली को पकड़ने में हेल्प करते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड। ये वार्म ब्लडेड होते हैं मींस देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन सेम इन समर एंड विंटर। इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, वो समर और विंटर में सेम रहता है। बर्ड्स ले हार्ड शेल्ड एंड योकी एग्स। एग्जाम्पल्स आर पिजन, स्पैरो, पीकॉक, पैरेट, क्रो, आउल, ऑस्ट्रिच। नाउ मैमल्स। द बॉडी ऑफ मैमल्स इज कवर्ड विद द हेयर। इनकी बॉडी हेयर से कवर्ड रहती है। दे हैव प्रोजेक्टिंग एक्सटर्नल ईयर्स। दे हैव 4 लेग्स एंड अ टेल। इनमें 4 लेग्स और एक टेल होती है। दे हैव 4-chambered हार्ट मीन्स 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। मैमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मींस उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चाहे वो समर हो चाहे वो विंटर हो। द फीमेल्स हैव मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमरी ग्लैंड्स। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो मैमल्स का होता है, उनके अंदर मेमरी ग्लैंड पाई जाती है। मदर्स गिव बर्थ टू यंग वंस एंड नरिश देम विद इट्स ओन मिल्क। मदर्स जो होती है वो बेबीज को बर्थ देती है और फीड कराती हैं। एग्जाम्पल्स आर जिराफ, एलिफेंट, कंगारू, बैट। बैट इज द ओनली मैमल विच कैन फ्लाई। बैट इज द ओनली मैमल जो उड़ सकता है। कैमल, मंकी, ह्यूमन बींग्स, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स। दिस वॉज ऑल अबाउट किंगडम मैमेलिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा।